ठंड बढ़ रही है दोस्तों, ख्याल रखना अपना। आंसू पोछने तो सब आ जाएंगे, नाक पोछने कोई नहीं आएगा। हाँ सारे मच्छर भी इतने होशियार हो रहे, उसी हाथ पे बैठेंगे जिस हाथ में मोबाइल हो, क्योंकि उन्हें पता बंदा उस हाथ को हिलावे ही नहीं। तेरी गोते चुपर आंदा साडे हाथ च रुमाल नी, लाभदानी लाभदानी मां। फैन तो हमारे बहुत है मेरे भाई, पर सर्दी की वजह से घर वाले चला न देवे। अगर खूबसूरत होना गुनाह है तो भैया हम लोग तो बेगुनाह है। आज जिंदगी में पहली बार स्नैपचैट डाउनलोड किया, तब जाके पता चला कि मैं भी गोरा दिखता हूँ यार। अब ये बात सही है या गलत, लेकिन कहते हैं कि कभी किसी के हाल पर ना हंसो, वही हाल आपका भी हो सकता है, इसीलिए मैं रोज मुकेश अंबानी पे हंसता हूँ। तो गर्मी कंबल उतारो तो सर्दी, शायद कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। बहुत खुशी होती है जब मम्मी कहती है ये नखरे अपने पति को दिखाई। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके। हमारे भारत के नेताजी बोल रहे हैं कि मैं भारत को स्वर्ग बना दूंगा, वो तो ठीक है, लेकिन पूछना ये था कि अगर भारत को स्वर्ग बना दिया तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी या स्वर्गवासी? बाबू मुझे पापा ने बोला है अगर इस बार मैं फेल हो गई तो मेरी शादी किसी रिक्शा वाले से करवा देंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब। अरे यार चिल रिलैक्स बाबू, मेरे पापा ने तो मुझे बोल दिया कि इस बार अगर मैं फेल हो गया तो मुझे ऑटो रिक्शा दिलवा देंगे, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉर्ट है, हम दोनों मस्त रोज ऑटो रिक्शा में घूमने जाएंगे। दुबई में बुर्ज खलीफा सबको है देखना, बाबू आपकी नशीली आंखों में मुझे है डूबना। गलती से एक फोटो अच्छी आ जाए तो समझ नहीं आता कि कहां कहां लगाएं। बाबू मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास खुद का घर नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि तुम मेरे कभी दिल में रहती हो और कभी मेरे दिमाग में रहती हो। छम छम बाजी झांझरिया, बाबू आप ही हो मेरे सावरिया। हमने धनुष तोड़ा तो सीता जयमाल लेके आई, कृष्णा ने बांसुरी बजाई तो राधा दौड़ी चली आई, हमने तो बस सीटी बजाई थी, पगली अपने बाप को बुला लाई।